महाराष्ट्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसमें सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। 149 कलवा मुमरा विधानसभा के प्रत्याशी नजीब मुल्ला के प्रचार प्रसार में पहुंचे पारसनाथ तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एवं हिंदी भाषी सेल राज्य प्रमुख ने बड़े उत्साह के साथ किया लोगों से जनसंपर्क अभियान और उत्तर भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि महायुति के प्रत्याशी नजीब मुल्ला को भारी मतों से विजयी बनाएं, तभी सभी समस्याओं का समाधान होगा। सभी उत्तर भारतीयों को एकजुट होकर लड़ना है और उन्होंने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। हिंदी भाषियों को कहा कि अगर डरोगे तो मरोगे, डटोगे तो सटोगे, तभी राज करोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवन पुरोहिया, न्यूज कलवा, महाराष्ट्र। मैं पारसनाथ तिवारी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हिंदी भाषी सेल के राज्य प्रमुख के तौर पे इस क्षेत्र में आया, निरीक्षण किया। कलवा पूर्व में देखा तो कलवा पूर्व जो है समस्याओं से घिरा हुआ, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है और अनेक जो उत्तर भारतीय बहुल समाज होने के नाते जो है यहाँ हमेशा उपेक्षित देखा। हमको ये लगता है कि उत्तर भारतीयों की बहुलता होने के नाते कलवापुर में उपेक्षा जानबूझ करके की गई। आप हमको बताइए जिस ढंग से विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास में कहां से पक्षपात आ गया। आज कलवापुर देखिए और कलवा पश्चिम देखिए, आप जरा ये भी देखिए, महायुति के साथ में माननीय अजीत दादा पवार को देख रहा हूं और अजीत दादा पवार जो है घड़ी की निशानी जो है घड़ी की निशानी तो अजीत दादा पवार के पास है। हम तो पवार साहब का ही बनाया हुआ था ना, पवार साहब को छोड़ करके भागे, हम लोग तो जहां थे वहीं पर है। आप ये सोचिए कि हम लोग जहां पर थे वहीं पर है, पवार साहब छोड़ करके महागाड़ी में गए हैं। जैसे टैक्स की समस्या है, गटर की समस्या है और तमाम रिक्शा वालों को तोड़ फोड़ दिया जाता है, रिक्शा वालों को सताया जाता है, भाजी वालों को सताया जाता है, फुटपाथ पे धरना करने वालों को सताया जाता है। ये भी आपको बता दूं मैं कि जिस दिन नजीब मुल्ला जीत जाते हैं उस दिन जो वहां की समस्याएं अपने आप खत्म होगी। मारुति सरकार के संयुक्त उम्मीदवार जो है जीत नजीब मुल्ला को जिताएंगे, तभी जो है कलवा मुमरा विधानसभा में खास करके कलवा पूर्व के विधानसभा में जो हिंदी भाषियों के लिए अगर समस्याओं से आपको निजात पाना है, आपको सुख सुविधा चाहिए तो वो केवल और केवल नजीब मुल्ला जीतने के बाद दे सकते हैं। इसमें लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे सभी हिंदी भाषियों को, सभी उत्तर भारतीयों को एकजुट होकर के ये लड़ाई समझ करके हमको उनको बटना, क्योंकि अगर डरोगे तो मरोगे और डटोगे तो सटोगे तो राज करोगे, आप अपनी सुख सुविधा पाओगे। तो अगर डरते रह गए तो फिर आप 5 साल तक भोगोगे। मौका आपके लिए अच्छा है, आपकी जो समस्या है। और ये भी आपको बता दूं कि कलवा पूर्व में हिंदी भाषी भवन बनाने के, उत्तर भारतीय भवन के बनाने के पारसनाथ तिवारी दृढ़ संकल्प है, वो बनाएंगे ही बनाएंगे। आप अगर यहां से जिताते हो तो कम से कम यहां से कलवा क्षेत्र से थाना क्षेत्र में उत्तर भारतीयों में नई जागरूकता पैदा हुई है। इसलिए मैं समस्त उत्तर भारतीयों से निवेदन करूंगा कि ये जो है अधिक से अधिक घड़ी के निशान पर 20 तारीख को मोहर लगा करके नजीब मुल्ला को जिताएं।